हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड राउट को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है डिफीट, यानी कि पराजित होना, मतलब कि हार जाना। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके, तो बस आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, ये जो वर्ड है इसमें हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें स्टार्टिंग में आर मिल रहा है, तो हमने आर लिख लिया, और आउट मिला है तो आउट लिख लिया। ओके गाइज, तो देखिए गाइज, आर का मतलब क्या होता है गाइज, आर का मतलब होता है रन, ठीक है। हमने क्या कीवर्ड ले लिया, आर का मतलब रन, और यहाँ से क्या हो गया, रन आउट, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ, रन और आउट, ठीक है। आर से हमने क्या लिख लिया याद करने के लिए, रन और आउट। तो रन आउट गाइज एक क्रिकेट का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। क्रिकेट का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं, रन आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ये बैट्समैन है और यहाँ पे ये बॉलर है, ठीक है गाइज। तो देखिए, इसको कितना चाह रहा था रन, इसको लास्ट बॉल पे दो रन चाह रहा था, ठीक है गाइज, जीतने के लिए, ठीक है, जीतने के लिए दो रन चाह रहा था, और ये क्या हो गया, रन आउट हो गया, ठीक है। लास्ट बॉल पे ही क्या हो गया, रन आउट हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पराजित हो गया, मतलब रन आउट की वजह से क्या हो गया, पराजित हो गया, हार गया, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ से आप कैसे देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कीवर्ड देखेंगे आर आउट, तो इसको आप किससे रिलेट करेंगे, रन आउट से, ठीक है। तो अब आपके माइंड में अब की क्या आएगा कि रन आउट की वजह से वो व्यक्ति क्या हो गया था, पराजित हो गया था, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे, ठीक है, राउट, तो आपके माइंड में कीवर्ड क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये ध्यान आना चाहिए कि आर और आउट आपको मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो आर आउट से आप क्या रिलेट कर लेंगे, रन आउट। ओके गाइज, यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको एकदम अच्छे से तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए, आर आउट से क्या रिलेट कर लेंगे कि रन आउट, ठीक है। तो रन आउट की वजह से वो क्या व्यक्ति क्या हो गया था, पराजित हो गया था, यानी कि हार गया था, ठीक है गाइज। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी के माध्यम से ये कीवर्ड याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसका अब हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द, ठीक है गाइज। तो देखिए, इसका जो पहला ये क्या है, सिनोनिम्स डिफीट, जिसका मतलब होता है पराजित होना, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया है, तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यानी कि सिमिलर वर्ड। और ये ओवरथ्रो का मतलब भी क्या होता है गाइज, इसका मतलब भी होता है कि पराजित होना, ठीक है। किसी पावर के द्वारा रिमूव कर दिया जाना, किसी आपसे जो बड़ा पावर है उसके द्वारा आपको रिमूव कर दिया जाना, यानी कि हरा दिया जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों इसके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है गाइज, दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं गाइज। तो ये क्या है, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है गाइज, विजय, यानी कि जीत हासिल कर लेना, ठीक है, विजय, विजय। और ये क्या है, विन मतलब जीतना, ठीक है। और विक्ट्री का मतलब क्या होता है गाइज, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। ओके गाइज, तो तीनों जो है, तीनों वर्ड जीत से ही रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे पराजित मतलब हार से रिलेटेड था, तो ये एक इस प्रकार से एक दूसरे के सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, इसका एंटोनिम्स ये हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वर्ड कीवर्ड के माध्यम से आपको आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है गाइज। तो यदि वीडियो अच्छा लगे गाइज, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।